अच्छा मगर आपके बारे में आपके बाबर आजम ने भी तारीफ की कि आप पाकिस्तान के वो बैट्समैन हैं कि मैच आप खेच कर प्ले कर देते हैं जीत के लिए, आपने अब तक किसी ऐसे बॉलर को देखा जो आपको बहुत ज़्यादा बॉलिंग करता है? जो मुझे बॉलिंग करता नहीं, देखें इंटरनेशनल क्रिकेट जो भी खेलता है वो बहुत परफॉर्म करके आते हैं और वो मतलब ऐसे ऐरे गैरे प्लेयर होते नहीं हैं, तो मैंने कभी देखा नहीं है कि जो मतलब डर तब आपको फील होता हो, क्योंकि सारे प्लेयर जो है ना वो बड़े टफ होते हैं, मतलब ईजी नहीं होते हैं, तो ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि किसी के माइंड में हो लेकिन वो शो नहीं करते। जैसे मेरे भी माइंड में होता है कि यार ये बॉलर मुश्किल है, लेकिन मैं उसको शो नहीं कराता, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको फील ना हो। तो क्रिकेट जो है ना ये माइंड गेम है, तो मैंने कभी इस तरह कोई देखा नहीं है कि जो ये वाला फील करता होता। कौन सा मुश्किल लगा आपको बोल रहे हैं? हो सकता है मुझे भी कुछ मुश्किल लगते हैं, कौन सा पड़ा? नहीं देखिए, विकेट के लिहाज से अभी जैसे आप मतलब सब लोग कहते हैं कि शूरी को मैं बहुत मारता हूँ, लेकिन जब लास्ट मैच हुआ है वो विकेट ऐसा था कि वहाँ पे जो है ना वो मुझे मुश्किल हो रहा था। तो विकेट के लिहाज से जो है ना वो बॉलर आपको तंग करते हैं कि कभी कभार अगर टर्न हो रहा हो तो आपको फिंगर स्पिनर तंग करते हैं, जब सीम हो रहा हो फास्ट बॉलर करते हैं, तो वो विकेट के लिहाज से ही होता है। मगर भाई किसी को शक नहीं आपके ऊपर, लंबे छक्के मार सकते हैं, बल्कि इरफान पठान ने आपको बहुत हाई रेट किया कि पाकिस्तान में आप और आजम खान की जब मिलकर खेलेंगे तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। आपकी स्ट्राइकिंग के ऊपर बात होती है, आपको आपको भी फील हुआ है कि इसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है कि पाकिस्तान के पास कोई बैट्समैन नहीं जिसके पास 40 की स्ट्राइक है? बिल्कुल फील हुआ है। देखें क्रिकेट ऐसी गेम है कि बल्कि कोई भी गेम हो उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, और बिल्कुल मुझे मेरे माइंड में भी है कि मेरा जो स्ट्राइक रेट है जिस तरह मेरी गेम है तो उस लिहाज से मेरा स्ट्राइक रेट बहुत कम है, तो उसको और अच्छा होना चाहिए और मैं इस पर काम भी कर रहा हूँ। आजम खान के साथ आप मिडिल में कैसा जुट बनेगा, आप भी मानते हैं कि ये बड़ा डेंजरस बनेगा? देखिए आजम खान और शाहिम अयूब ये दोनों ऐसे प्लेयर है कि मैं पर्सनली बहुत हाई रेट करता हूँ इनको, और मेरे ख्याल में अगर इनको पूरा मौका मिले कि क्योंकि T20 क्रिकेट बहुत रिस्की खेल है, इसमें अगर आप किसी को मौका लंबा देते हैं तो तब ही पता चलता है एक प्लेयर का, दो तीन मैचों में पता नहीं चलता। तो ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर इनको आप थोड़ा सा टाइम दे दें तो ये टैलेंटेड बहुत ज़्यादा है और ये आपको बहुत ज़्यादा मैचेस जितवा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तैयारी है, कैंप भी लगा हुआ है, इससे पहले भी मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले हैं हम लोगों ने, और एक महीना पहले हम लोग टूर पे जा रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त तैयारी होगी हमारी।